उसे आप देख सकते हो एंड देन यू कैन कम टू सेकेंड फालम सीलन ट्रेटाइट सो मूविंग ऑन है एनिमल किंगडम का सबसे पहले बात करूंगी मैं सीलन ट्रेटा के हैबिटेट की सीलन ट्रेट का कैसा हैबिटेट होता है जैसा कि फालम पॉलिफेरा में हम पढ़े आ, पढ़ चुके हैं कि कैसे होते हैं वो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ठीक है ये एनिमल्स भी उसी तरह पानी में रहेंगे एक्वेटिक होंगे होता क्या है ना बच्चों एनिमल किंगडम के, के पहले तीन फाइलम दैट इज फाइलम बॉलिफेरा फ़ाइलम सीलेंट्रेटा एंड थर्ड फ़ाइलम इज फ़ाइलम टीनोफोरा तीनों के तीनों पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं ऑल आर एक्वेटिक सो दिस इज ऑल्सो एक्वेटिक अब कैसे पानी में रहेगा फ्रेश में भी रहेगा मरीन में भी रहेगा जैसा कि देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है दे आर मोस्टली मरीन ज्यादातर मरीन होते हैं बट फ्यू आर फ्रेश वाटर कुछ एक फ्रेश वाटर भी होते हैं जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रा हाइड्रा सुना है क्लास टेंथ में सुना है बडिंग की थी हाइड्रा के अंदर क्या हुआ था उसके अंदर बड बनी थी साइड में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हाइड्रा का एग्जाम्पल पढ़ के आए हो तुम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा

फाइलम सीलेंटरेटा के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे फटाफट से ताकि इस फाइलम के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि किस तरीके के एनिमल्स इस पर्टिकुलर फाइलम में हैं दिखते कैसे हैं ठीक है चीके? एक बॉडी अपीयरेंस का आइडिया हो जाए कि जो पढ़ने वाले हैं वो आखिर दिखता कैसा है ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या है ये जेलीफिश देखिए किस किस किसने देखिए पानी के अंदर ऐसे 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 करके ये चलती है हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ठीक है तो ये वही वाली जेलीफिश है ये जेलीफिश पानी के अंदर रहेगी और क्या करेगी स्विमिंग यू गुड हैव सीन देखी होगी डिस्कवरी चैनल के ऊपर भी तुमने तो ये वही वाली ओरेलिया जेलीफिश है ठीक है उसके बाद में दिस इज अडाम्सिया सी एनीमोन ओके देखने में कैसा है कुछ यहां पर टेंटिकल्स प्रेजेंट है यू कैन सी तो टेंटिकल्स है इस पर्टिकुलर एनिमल के अंदर भी तुमने क्या देखी कुछ यहाँ यहाँ पर कुछ टेंटिकल्स जैसे प्रेजेंट थे तो सीरें के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑल राइट अब एडामसिया ऊपर क्या है साइंटिफिक नेम है नीचे है कॉमन नेम जेलीफिश का साइंटिफिक नेम है ओरेलिया कॉमन नेम है जेलीफिश ठीक है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है एडाम्सिया कॉमन नेम है सी एनिमोन सी एनिमोन को आगे तुम पढ़ोगे बच्चों कहाँ पर इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन में दो स्पीशीज की जब आपस में इंट्रेक्शन होती है तो सी एनिमोन इंट्रैक्शन शो करता है किसके साथ हर्मिट क्रैब के साथ तो इंट्रैक्शन के अंदर इसको पढ़ने वाले हैं हम कॉमन नेम इसका है सी एनिमोन ऑल राइट नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज फाइजेलिया फाइजेलिया कॉमन नेम है इसका पॉटिग्यूज मैन ऑफ वॉर अब इसको इतना भारी भरकम नाम क्यों दिया हुआ है इतना कॉमन नेम इसका इतना भारी भरकम क्यों है बिकॉज इसकी बॉडी की शेप देखो थोड़ी सी सीट्स, बॉडी शेप बॉडी शेप कैसी है ऐसे नहीं लग रहा कि कोई आ, बलून जैसा कुछ स्ट्रक्चर है गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है दिख रहा है सो so, ऊपर वाला ये जो ये स्ट्रक्चर है ये कुछ बलून जैसा स्ट्रक्चर है ऐसे लग रहा है इसके अंदर कुछ फिल्ड है ठीक है होता क्या है इसके अंदर हवा भरी होती है स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम निमेटोफोर

पोर्टिग्यूज वॉरशिप से इसलिए नाम है इसका पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर दूसरा ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पे टारगेट करता है ठीक है और उससे क्या होता है उस टॉक्सिन से किसी भी ह्यूमन की मौत भी हो सकती है सो इट्स क्रीज हाईली पॉइजनस टॉक्सिन ठीक है और दैट इज फेटल टू ह्यूमंस इसकी वजह से हाईली डेंजरस एनिमल है ठीक है इसका नाम पड़ जाता है पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर मूविंग ऑन नेक्स्ट इज पैनेटूला पेनाटूला देख सकते हो स्ट्रक्चर कैसा है पेन के जैसा है ठीक है तो इज साइंटिफिक नेम सी पेन इज कॉमन नेम ऑल जैसा है शेप बॉडी का उसी तरीके के कॉमन नेम्स होंगे ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट इज गोरगोनिया गोरगोनिया देख सकते हो पंखे की तरह है अगर ये इस पंखे का हैंडल हो जाए ये इस फैन का हैंडल हो जाए तो गर्मी में जिस फैन से हम हवा करते हैं हैंड में यूज करते हैं जो हम ठीक है तो वो वाला फैन दीवार वाला फैन नहीं वॉल फैन नहीं सीलिंग वाला फ़ैन नहीं हाथ से करने वाला फैन उस फैन के जैसा इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सी फैन और राइट नेक्स्ट इज ओबेलिया ओबेलिया कॉमन नेम है सीफर तो थोड़ा फरीसा स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसका नाम है सीफर तो कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं फाइलमसीलन ट्रेटा के अंदर टेंटेकल्स प्रेजेंट होंगे कुछ टेंटेकल्स वाले होंगे आ, देख सकते हो इसकी शेप कैसी है अम्ब्रेला की जैसी शेप भी है इसकी है ना अम्ब्रेला की जैसी शेप है इसकी और इसकी कैसी है प्लांट लाइक -like शेप है तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फाइलमसीलन ट्रेटा के अंदर ऑर्गेनिजम्स का शेप इज गोइंग तो टू वैरी अलग अलग हो सकता है ऑल राइट और कैसे होंगे एक बात हमने देखी कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो ठीक है है यहां देखो क्या प्रेजेंट टेंटिकल्स के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ठीक है तो ये बात रही कुछ एग्जाम्पल्स की मूविंग ऑन आगे चलेंगे हम पढ़ेंगे का हैबिट हैबिट तो habit के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्मल लेती हूँ क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुपिज्म शो करते हैं जिधर छोड़ दो उसको अपना गैंग बना लेते हैं अपना ग्रुप बना लेते हैं अकेले कभी नहीं दिखेंगे आपको अपने ग्रुप के अंदर मूव करते हुए दिखेंगे ठीक है तो जो ऑर्गेनिज्म अकेले रहना पसंद करता है इंडिपेंडेंट है आत्मनिर्भर किसी की जरूरत नहीं है उसको खुद से करेगा जो करेगा दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज नोन एज सॉलिटरी और जो इंडिविजुअल ग्रुप में रहना पसंद करेगा कॉलोनी में रहना पसंद करेगा उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कि उसका हैबिट कैसा है उसका हैबिट है कॉलोनियल तो क्या लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है ऑन द बेसिस रहा है और या या फिर में में रह 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 रहा 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 है 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 सोलिटरी भी हो सकते हैं भी हो सकते हैं दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे traits होंगे so, those animal, अब जो अकेले रहेंगे विच लिव सिंगली एंड आर इंडिपेंडेंट अकेले रहेंगे आर नोन एज सॉलिटरी एग्जाम्पल आ गया हाइड्रा तो जो फ्रेश वाटर अभी तुमने हाइड्रा किया वो क्या है इंडिपेंडेंट रहता रहना पसंद करता है उसको बोलते हैं हम सॉलिटरी कुछ इस तरीके का पिक्चर दिखाया हुआ है एक सॉलिटरी पॉलिप का सॉलिटरी सीलन ट्रेट का कुछ पिक्चर इस तरीके से है ठीक है पॉलिप वर्ड समझ नहीं आया तो समझने की कोशिश भी मत करना किस क्योंकि इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी तक आई एव नॉट टोल्ड यू वट इज पॉलिप तो पॉलिप हम आगे अगली स्लाइड्स में तुम्हें क्लियर होगा कि पॉलिप क्या होता है बेसिकली अभी ये समझ लो कि सीलेंट ट्रेट का एक स्ट्रक्चर है ठीक है बॉडी के स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या बोल दिया है पॉलिप बोल दिया है ठीक है तो सोलिटरी पॉलिप कुछ ऐसा है अकेला है टॉप व्यू ऊपर से देखा हो कैमरा ऊपर फिट किया पिक्चर क्लिक की कुछ ऐसा सा दिखेगा और दूसरे केस में कॉलोनियल पॉलिप कुछ ऐसा सा इसका स्ट्रक्चर दिखता है जिसको अगर जूम इन करें तो एक दो तो, तीन चार एंड मैनी मोर तो बहुत सारे पॉलिप एक ही जगह पर भर भर के भर भर के प्रेजेंट है तो कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं सो दोज एनिमल विच आर इन क्लोज एसोसिएशन बिल्कुल साथ-साथ रहेंगे ऑफ सेम टाइप एक तरीके के होंगे आर कॉल्ड कॉलोनियल एनिमल्स एग्जांपल देख लो इसके फाइज़ेलिया गोरगोनिया एंड ओबेलिया तो फाइज़ेलिया गोरगोनिया एंड ओबेलिया दे शो कोलोनियल टाइप ऑफ हैबिट फाइज़ेलिया कौन सा था Portuguese man of war था, था? 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 कौन कौन सा था? कौन सा था? पेन वाला था या फैन वाला या तो फैन था, सी फैन. Then, obelia, सी फर. ठीक है? Moving on, आगे हम बात करेंगे बॉडी सिमेट्रिक कैसी होती है तो बॉडी सिमेट्रिक मतलब क्या मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ऑर्गन्स जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर ऑर्गन्स नहीं है सपोज ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे हाड्रा के अंदर कुछ ऑर्गन्स नहीं देखे जाते तो बेसिकली बॉडी के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर हम बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में कट करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं कर सकते हैं तो कितने प्लेन से कर सकते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म कैसा है तीन तरीके की सिमेट्री पड़ी थी कौन कौन सी एसिमेट्रिकल रेडियल एंड बाइलेट्रल इस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखी जाएगी रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का ये मतलब था कि ऑर्गेनिज्म कट सकता है इक्वल हाफ्स में यू कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म और उसको तुम किसी भी प्लेन से कट uh, कर सकते हो दो इक्वल हाफ्स में बशर्ते, व्हाट इज द कंडीशन हेयर कंडीशन इज दैट कि वो जो प्लेन है तुम्हारा ऑर्गेनिज्म के सेंटर से पास होके जाना चाहिए एज यू कैन सी ओवर हेयर ये प्लेन सेंटर से पास होके जा रहा है इधर और इधर दो इक्वल पार्ट्स में ये हाइड्रा को कट कर देगा दिस इज हाइड्रा ठीक है इसको कट कर देगा ये देखो ये एक प्लेन जा रहा है इसी तरीके से यहां से इस प्लेन से भी कट कर सकते हो इस प्लेन से भी कट कर सकते हो सो डिपेंडिंग अपॉन किसी भी प्लेन से आप कट कर सकते हो और ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो इस तरीके की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री आगे बढ़े

भाई तूने भी एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है मैंने भी एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है वाई नॉट को एंड फॉर्म अ टिश्यू तो सेल्स आर स्मार्ट इनफ दैट दे शो टिश्यू फॉर्मेशन ओके सो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट स्लाइड आगे पढ़ने वाले हैं हम बॉडी फॉर्म के बारे में ठीक है बॉडी फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे हम आगे कि सीलन ट्रेट्स की बॉडी uh, फॉर्म कैसी होती है सो so, बच्चों अभी पीछे पॉलिप poly, पॉलिप सुना ना कुछ पॉलिप वर्ड आया था पीछे तो बेसिकली इट वॉज अ बॉडी फॉर्म ऑफ सीलन ट्रेड ठीक है तो कॉलोनियल फॉर्म जो है हमारे पास जो कॉलोनियल फॉर्म है इट शोज टू टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स सीलन ट्रेड्स के अंदर बेसिकली दो तरीके के इंडिविजुअल्स देखे जाएंगे दो तरीके की बॉडी फॉर्म्स देखी जाएंगी जब तुमने एग्जाम्पल्स देखे थे तब भी तुमने क्या देखा था एक तो कुछ अम्ब्रेला लाइक ऑर्गेनिजम्स थे अम्ब्रेला लाइक -like थी जैसे जेलीफिश तुमने देखी तो जेलीफिश कैसी थी कुछ इस तरीके की थी इस तरीके की थी कुछ सो so, इस तरीके की जेलीफिश थी इस तरीके की एक फॉर्म हो गई और इस तरीके का ओबेलिया था बेसिकली ऐसा ऐसा ओबेलिया देखा था ठीक है तो ओबेलिया ऐसी वाली फॉर्म क्या है थोड़ी सी प्लांट लाइक है प्लांट के जैसी दिख रही है और ये वाली फॉर्म कैसी है अम्ब्रेला लाइक है ठीक है तो कॉलोनियल फॉर्म जो है किसकी सीलन ट्रेड की वो शो करती है दो टाइप के इंडिविजुअल्स दो टाइप के इंडिविजुअल शो करेगी पॉलिप एंड मेड्यूसा सो पॉलिप फॉर्म एंड मेड्यूसा फॉर्म यह शो करेगी पॉलिप फॉर्म इज अ सिलेंड्रिकल फॉर्म सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल फॉर्म रहेगी ये एज यू कैन सी ये है तुम्हारी पॉलिप फॉर्म और ये है मेड्यूसा फॉर्म ठीक है तो सिलेंड्रिकल होगी फिक्स्ड होगी मूव नहीं करेगी इधर से उधर जबकि तुम्हारी जो दूसरी मेड्यूसा फॉर्म रहेगी वो मूव कर सकती है इधर से उधर ओके इट मे बी सॉलिटरी एंड कोलोनियल तो जो पॉलिप फॉर्म है वो पॉलिप फॉर्म सॉलिटरी भी हो सकती है कोलोनियल भी हो सकती है देखी थी ना पीछे स्लाइड में पीछे स्लाइड में ही देख के आए हो यहाँ पर ये पॉलिप फॉर्म दिखाई थी मैंने ये एक सॉलिटरी फॉर्म थी और ये एक कोलोनियल फॉर्म थी देख सकते हो सिलेंड्रिकल है सिलेंडर लाइक -like है और कैसी है एक तरी एक जगह पर ये टिकी रहेगी इधर उधर मूव नहीं करेगी ठीक है सो so, सकती umbrella -like, umbrella -like है मूव तो कर सकती है इधर से उधर बट ऑलवेज सॉलिटरी अब जो स्विम करेगा जो इधर से उधर चलेगा हाथ में हाथ पकड़ के तो ये चलने से रहे चलो चलो उधर जाना है चलो चलो इधर जाना है भाई जो एक जगह पर टीका रहेगा वो तो अपनी बीड़ी इकट्ठी कर सकता है जिसने सारा दिन घूमना है इधर उधर वो बीड़ी इकट्ठी कैसे करेगा सो इट इज अ कॉमन सेंस थोड़ा लॉजिकल होके चलो मेड्यूसा जो है बिकॉज इट इज़ अ मूविंग फॉर्म तो पूरा क्लस्टर बना के तो इधर उधर चल नहीं सकते ना तो क्या करेगी वो अपना अकेले इधर उधर इधर उधर स्विम करती रहेगी मूव करती रहेगी ओके सो इट इज अ फ्री स्विमिंग फॉर्म इसके पास टेंटिकल tentacle, टेंटिकल्स uh, होते हैं और उसकी हेल्प से क्या करती है स्विम करती है ठीक है सो इधर और बोथ वेट अ मिनट इधर और बोथ द फॉर्म यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है इधर और बोथ द फॉर्म बेअर इन स्पीशीज एंड दिस इज नोन एज पॉलीफॉरफिज्म तो क्या कह रही हैं कि या तो एक या दोनों फॉर्म्स एक ही इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम बोलते हैं पॉली पॉली का मतलब है बहु ज्यादा एक से ज्यादा मॉरफिज्म का मतलब है दिखने में जो उसका स्ट्रक्चर है तो एक से ज्यादा स्ट्र, बॉडी स्ट्रक्चर्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को शो करता है कौन सीलन ट्रेट्स इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कि कभी देखने को क्या मिलेगी कुछ ऑर्गेनिजम्स में पॉलिप फॉर्म देखने को मिलेगी सिलिंड्रिकल होगी किसी के अंदर देखने को मिलेगी मूविंग फॉर्म जेलीफिश में जैसे देखने को मिली मेड्यूसा फॉर्म याद कैसे करोगे बच्चों बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिससे तुम इसको याद कर सकते हो कैसे याद करोगे पी फॉर पॉलिप P for polyp, P for plant. P से polyp, P से plant मूव नहीं कर सकता इधर उधर M for medusa, M for moving. So इधर उधर घूमने वाली मेड्यूसा फॉर्म एक ही जगह पर प्लांट के जैसी एक जगह पर टिक कर रहेगी जो चिपक के रहेगी वो क्या होगी तुम्हारी पॉलिप फॉर्म ऑल राइट और क्योंकि वो एक ही जगह पर रहेगी तो भीड़ भी इकट्ठी कर सकती है तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ ठीक है तो वो कॉलोनियल फॉर्म भी शो करेगी वो सॉलिटरी भी हो सकती है एज फॉर्म इज इज ऑलवेज फाउंड सॉलिटरी इट फ्री स्विमिंग ठीक है और फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं पॉलीमोर्फिजम बोलते हैं ठीक है सो फिनोमिना इज नोन एज पॉलीमोरफिज नाउ वन पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म्स आर फाउंड इन द सेम एनिमल जब एक ही एनिमल के अंदर उसके लाइफ साइकिल के अंदर कभी तो दिखी मेड्यूसा फॉर्म कभी दिखी पॉलिप फॉर्म अब ऑर्गेनिज्म क्या है कन्फ्यूज है ये बनू या ये, ये बनू ठीक है ऐसे वाली कहानी है कुछ भी उसका फिक्स नहीं है तो कभी तो बन जाता है पॉलिप जब बैठे बैठे उब जाता है थक जाता है तो क्या कहता है नहीं नहीं मैं तो मेड्यूसा फॉर्म बनूंगा आई वॉन्ट टू स्विम वॉटर तो पानी में स्विम करने की इच्छा हुई तो क्या बन गया मेड्यूसा फॉर्म बन गया पॉलिपर मेड्यूसा फॉर्म जब एक ही इंडिविजुअल के अंदर देखे जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बोलेंगे एक देख लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है? When होते हैं एक के बाद एक लगातार ठीक है ऑल्टरनेटिस अगला पिछला तो आगे पीछे रहेंगी लाइफ साइकिल के अंदर और आगे पीछे लाइफ साइकिल के अंदर

ठीक है तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे मेटाजेनेसिस और ऑफ जनरेशन इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर तुम देख सकते हो ये पर्टिकुलर डायग्राम ये बताने के लिए है कि तुम्हारा सिलेंडर कैसा है है देख सकते हो दिस इज वॉट एक सिलेंडर है है ना और ये कैसा है जी अम्ब्रेला है है ना ऐसे बनाते हो ना अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला जैसा इसका शेप है कैसा है मूविंग वाला है मेड्यूसा है और ये वाला कौन सा है लाइक -like है, प्लांट लाइक -like है तो कैसा है पॉलिप है, ठीक है आगे चलेंगे बढ़ेंगे नाउ डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म किस फाइलम से वो बिलोंग करता है लेयर्स दो भी हो सकती जर्म लेयर्स तीन भी हो सकती हैं सिलेट्रेट्स के अंदर कितनी होती है सिलन के अंदर देखी जाएंगी कितनी

दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी वहां पर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आ प्रेजेंट मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं रहेगा मिडिल लेयर इज एब्सेंट और उसकी जगह पर क्या प्रेजेंट होती है एक जेल लाइक लेयर जिलेटिनस मैट्रिक्स इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ मेसोडर्म जिसका नाम क्या होता है मेज़ोग्लिया ठीक है तो एक्टोडर्म बाहर वाली एंडोडर्म अंदर वाली देख सकते हो एक्टोडर्म कौन सी है ये वाली ऊपर वाली दिस इज एक्टोडर्म और ये वाली क्या है दिस इज एंडोडर्म बीच में जो पिंक पिंक है दिस इज मिजोगलिया क्या बोला मैंने जेल लाइक -like है इसके अंदर बच्चों कोई सेल्स नहीं होते हैं सेल्युलर नहीं होती है देख सकते हो इसकी सेल्स प्रेजेंट है एक दो तीन चार पांच छ देख सकते हो दीज आर सेल्स दिस लेयर इज सेल्युलर अंदर वाली देखो दिस लेयर इज ऑल्सो सेल्यूलर बट इसके अंदर कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होते इट इज ए सेल्युलर जेल लाइक होती है ये ठीक है मिडल लेयर प्रेजेंट रहेगी जैसे कि अगर मैं हाइड्रा को यहां पर कट करती हूँ इस तरीके से ठीक है और ये सेक्शन यहां पर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को यहां पर मैं देखती हूं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर मुझे क्या दिखने वाला है मुझे दिखने वाला है एक तो बाहर वाली लेयर विच इज एक्ट्रोडम जो कि इस लेयर की बात कर रहे हैं यहां पर अंदर वाला एंडोडर्म ठीक है सेंटर में बच्चों स्पेस दिखा स्पेस दिखा सेंटर में वो जो सेंटर में स्पेस है दैट लेयर इज नोन एज दिस लेयर इज नोन एज मिजोग्लिया ठीक है यहां पे भी देख सकते हो ये तुम्हें पॉलीपर मेड्यूसा फॉर्म के अंदर जो है जर्म लेयर्स दिखाई हुई है पॉलिप फॉर्म के अंदर देखो क्या प्रेजेंट है यहां पर एपिडर्मिस एपिडर्मिस क्या होगा जो क्या बनाएगा बेसिकली एंडोडर्म से एक्टोडर्म uh, से बना होगा डिराइव हुआ होगा उसके बाद में अंदर क्या है अंदर क्या है गैस्ट्रोडर्मिस ये गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्मिस से डिराइव होता है ठीक है येलो वाला जो है अंदर और बीच में क्या प्रेजेंट है मिजोग्लिया प्रेजेंट है तो ये वाला एक्टोडर्म से बना है गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म से बना है और मिजोग्लिया तुम्हारी मिडिल लेयर है जेलेटिनस लेयर ओके सो यहाँ पर जो ये वाइट वाइट सी दिख रही है यहां पर वेर इज मिजोगलिया यहाँ पर ये वाली लेयर है जो अंदर लाइट कलर में दिस लेयर दिस इज मिजोगलिया यहाँ पर दिस लेयर दिस इज मिजोग्लिया ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट जर्म लेयर्स ऑफ सीलन ट्रेट नेक्स्ट बात करूंगी मैं बॉडी वॉल की तो बॉडी वॉल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंग लेयर ऑफ सेल्स बॉडी वॉल यानी कि जो परत है ऑर्गेनिज्म की बाहर की जो परत है जो वॉल है लेयर है जो उसका क्या हाल है कितने टाइप ऑफ सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है सो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंग लेयर ऑफ सेल्स बेसिकली जर्म लेयर से ही बॉडी वॉल तुम्हारी आगे जाकर फॉर्म हुई है एज यू हैव सीन यहां पर ये जर्म लेयर्स तुमने पढ़ी कि एक्टोडर्म है एंडोडर्म है बीच में जी मिजोग लिया है यहां पर तुमने इधर ही देख लिया कि एक्टोडर्म से क्या बनी एपिडर्मिस बनी एंडोडर्म से क्या बनी गेस्ट्रोडामिस बनी और बीच में क्या प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में मिजोग्लिया प्रेजेंट है तो अगर मैं बॉडी वॉल की बात करूं तो यही तो हुआ बॉडी वॉल बाहर क्या प्रेजेंट है एपिडर्मिस प्रेजेंट है ठीक है अंदर क्या प्रेजेंट है गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट है और बीच में क्या प्रेजेंट है मिजोग्लिया प्रेजेंट है सो बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंग लेयर ऑफ सेल्स एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस हमारी दो वॉल के अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट है ठीक है एपिडर्मिस हमारी आउटर लेयर रहेगी और गैस्ट्रोडर्मिस हमारी इनर लेयर रहेगी और जो कि किसके अंदर खुलेगी कैविटी के अंदर खुलेगी ठीक है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर खुलेगी खुले और जो मजे की बात मैं तुम्हें बताने वाली हूं वो ये है कि ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम बोलते हैं सीलिन तो सीलिन क्या है इसकी गैस्ट्रोवैस्क्युलर कैविटी है जो अंदर इसके एक स्पेस है आ, बच्चों इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर देखा था तुमने ये देखो दिस इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ये जो कैविटी यहां पर प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैविटी कैविटी क्या होता है एक होलो स्पेस खोखलापन जो यहां पर प्रेजेंट है ये क्या है तुम्हारा सीलेंट्रोन है और क्योंकि इसको हम सीलेंट्रोन बोलते हैं तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलेंट्रोन होता है उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सीलेंट्रेटा तो नाम कैसे पड़ा बिकॉज सीलेंट्रोन इज प्रेजेंट इन सीलेंट्रेटा ऑल राइट आगे चलो अब एक और चीज इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखने वाली है कि ये जो ऊपर एपिडर्मिस है इस एपिडर्मिस के ऊपर कुछ यहां पर कुछ मजेदार सा है ठीक है ये भी हाइड्रा का एक क्रॉस सेक्शन है इसके ऊपर क्या है जी ये दिस इज नाइडोसाइट विद पर क्या है नाइडोसाइट विद नाइडोसाइट्स नाइडोसाइट्स क्या है ये इस पर्टिकुलर फाइलम का नाम तुमने क्या सीलेंट्रोट थाटा uh, और नाइडेरिया तो दूसरी जो तुम्हारा खुलासा होना था वो हो चुका है कि नाइडेरिया नाम क्यों पड़ा? बिकॉज नाइडोसिस्ट आर प्रेजेंट इन नाइडेरिया नाइडोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं नाइडेरिया और क्योंकि सीलेंट्रोन प्रेजेंट होता है तो हम इसको बोलते हैं ट्रेटा ठीक है अब ये कैसा होता है ये सेल क्या होता है इसका क्या फंक्शन होता है इसको हम पढ़ेंगे आगे

नाइडो सिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्टिंगिंग सेल्स व्हेन डिस्चार्ज्ड जब ये डिस्चार्ज होते हैं देख सकते हो यहाँ पर क्या है ये तुम्हारे एपिडर्मिस के अंदर ये अंदर चुपके से बंद पड़े हैं ऑल ऑलराइट और ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ ये शूट अप हो गया ठीक है इसके अंदर से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला और देख सकते हो ये आगे तीर के जैसा है ना ये जाके क्या करेगा किसी भी जो भी इसका सपोज uh, बोल सकते हैं कि प्रोडेटर हुआ इसको खाने के लिए आया इसकी तरफ तो एज अ बचाव के लिए अपने इसको वो यूज़ कर सकता है ठीक है अदरवाइज अपने प्रे को भी अपने जो भी इसका खाना होगा उसको भी किल करने के लिए काम आएगा ठीक है तो टॉक्सिन क्या करेगा उसको वहां पर किल करने में काम आएगा तो क्या करेगा ये इस पर्टिकुलर बार्ब से ये जो इसका तीखा तीखा सा स्ट्रक्चर है इसके आगे प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं बार्ब और ये बार बजा के सीधा उस पर्टिकुलर प्रे के अंदर क्या हो जाएगा उसको जकड़ लेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो जैसे रस्सा फेंकते हैं ना उस तरीके से ये अपना थ्रेड थ्रेड और उस से अपने प्रे को लपेट लेगा ठीक है सो स्टिंगिंग सेल्स वैन डिस्चार्ज गिव आउट फ्रॉम अ सैक इस पर्टिकुलर सैक से वो बाहर निकलेगा ठीक है द निमेटोसिस्ट तो उसको क्या बोलते हैं हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं अलोंग थ्रेड लाइक थ्रेड ट्यूब दैट मेक ऑयल राउंड द प्रे और अटैच टू इट ऑल राइट और इंजेक्टर टॉक्सिन कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन तो हिप्नोटॉक्सिन ये प्रोड्यूस करेंगे जो कि अपने प्रे के अंदर ये इंजेक्ट कर देते हैं तो so, देख सकते हो ये तीखा तीखा स्ट्रक्चर है इससे वो अपना प्रे के अंदर वो इंजेक्ट कर देगा जो भी टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करते हैं इन टू इट एंड पैरालाइज इट उसको क्या करते हैं पैरालाइज कर देते हैं ठीक है तो so, मूव नहीं कर पाएगा इधर उधर और उसको पकड़ लेंगे और उसको खा लेंगे ठीक है सो नाइडोप्लास्ट टॉक्सिन कॉज नेस्टी स्टिंग बहुत ही गंदी स्मेल आती है इसमें से एनआरोकेजनली फेटल टू स्विमर्स तो स्विमर्स ह्यूमंस के लिए भी क्या है ये घातक हो सकता है जैसे कि मैंने पॉटिक मैन ऑफ वॉर की बात की थी वो क्या करता है नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है उसका टॉक्सिन ठीक है तो नाम क्या रहेंगे इन सेल्स के नाइडोसिस्ट नाइडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट क्या है ये स्टिंगिंग सेल्स हैं स्टिंग प्रोड्यूस करते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है आगे क्या है बार्ब जाकर उस अपने प्रे को लपेट लेते हैं उसके अंदर ठीक है इतनी बात समझ आई मूविंग ऑन बॉडी कैविटी अगर मैं बॉडी कैविटी की बात करूं तो सिलेंट्रेट्स uh, के अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती सो इट इज एसिलोमेट सो सिलेंट्रेट्स आर एसिलोमेट्स देन स्केलेटन की अगर मैं बात करूँ तो स्केलेटन कैसा स्केलेटन प्रेजेंट होता है बेसिकली सबसे पहले तो जो इसके अंदर मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है ना बच्चों जो मिजोगलिया प्रेजेंट है मिडिल में जो लेयर प्रेजेंट है जिलेटिनस लेयर वो इसका इंटरनल स्केलेटन की तरह काम करती है ठीक है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगी बॉडी को तो एक तरीका ये भी स्केलेटन बेसिकली किसके लिए होता है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है ना ठीक है जरूरी तो नहीं है ना कि वो आ, कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स से बना हो या कोई हार्ड स्ट्रक्चर से बना हो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है किसी भी तरीके से प्रोवाइड हो सकता है तो मिजोग्लिया है जो जलेटनस लेयर है बॉडी के अंदर वो क्या करती है इंटरनल स्केलेटन की तरह काम करती है ऑल राइट नाव सॉफ्ट बॉडी में भी सपोर्टेड बाई हॉर्नी और कैलकेरियस स्केलेटन अब कैल्शियम के एग्जुस्केलेटन भी हो सकता है बॉडी के ऊपर कैल्शियम का एग्जो स्केलेटन भी प्रेजेंट हो सकता है जो कि क्या है हार्ड है ऑल राइट right. देन कैल्केडिस एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन अब ये बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है बेसिकली बाहर होगा बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगी ऐसी ऐसी हार्ड हार्ड जो लेयर्स होंगी किसकी कैल्शियम की ऑलराइट सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉडी कैविटी एंड स्केलेटन आगे चलें आगे है हमारा सीलेंट्रेट का डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों दो तरीके के बताए थे मैंने याद करो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सीलेंट रेट के अंदर देखा जा रहा है इनकम्प्लीट और कंप्लीट में डिफरेंस क्या था इनकम्प्लीट क्या था जी सिंगल ओपनिंग है उसी से ऑर्गेनिज्म खा रहा है उसी से अनडाइजेस्टिड मैटर जो है तुम्हारा वो रिलीज कर रहा है ओके okay? तो सिंगल ओपनिंग है वन वे है माउथ भी वही एनस भी वही टू वे में क्या है कि माउथ अलग है एनस अलग है खाना एक तरफ से है अंदर जा रहा है और वेस्ट दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है तो सिलेंड्रेट अभी इतने क्या एडवांस नहीं हुए हैं ठीक है चीके? इतने एडवांस नहीं हुए हैं एक ही ओपनिंग का यूज करेंगे उसी से फूड इज गोइंग टू एंटर उसी से वेस्ट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द बॉडी ओके सो इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर विद सिंगल ओपनिंग वन वे भी बोलते हैं इसको वन वे ठीक है वन वे टू वे रोड्स uh, uh, के ऊपर होता है ना कि वन वे रोड है एक ही मतलब कि uh, जो जाने वाले व्हीकल्स uh, हैं वो भी उसी तरीके उसी रोड पे से एक ही तरफ से जा रहे होते हैं आने वाले भी एक ही तरफ से आ रहे होते हैं टू वे होता है जब बीच में डिवाइडर होता है तो क्या करते हैं जाने वाले एक तरफ से आने वाले दूसरी तरफ से इस तरीके का होता है कुछ ठीक है तो उसी तरीके से अलग अलग नहीं है एक ही जगह है जी उसी से आना है उसी से जाना है ठीक तो है, then, है. तो सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और इसको हम सिलेंट्रॉन के नाम से भी जानते हैं तो बॉडी के अंदर जो ये देखो बच्चों ये जो कैविटी प्रेजेंट है इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं सिलेंट्रॉन ये ये कैविटी क्या है दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन ओके देन

नाइडेरियंस जो होते हैं सिलेंड्रेट्स जो होते हैं मच लार्जर प्रे को क्या कर सकते हैं कैप्चर कर सकते हैं वाई स्टिंगिंग सेल्स तो स्टिंगिंग सेल्स ही वो सेल्स हैं जिनकी हेल्प से उनको ये सुपर पावर जो है वो मिली हुई है ऑल राइट देन डाइजेशन इज पार्टली एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड पार्टली इंट्रा सेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब सेल के बाहर सेल के बाहर कहाँ जी इस गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में बोला ना डाइजेस्टिव कैविटी है तो इस कैविटी के अंदर जो भी डाइजेशन हो रही है वो क्या है एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर एक्स्ट्रा और जो सेल के अंदर हो रही है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेल्युलर ऑल राइट तो पार्टली एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्टली इंट्रा सेल्युलर पहले कैविटी के अंदर यहां पे हो जाएगा थोड़ा डाइजेशन फिर अंदर आ जाएगा ऑल राइट ये था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि सिस्टम कैसा है अगर मैं डाइजेशन के प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पर डाइजेशन कैसे हो रहा है द फूड देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम को ये क्या है टेंटिकल्स हैं इन टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं वो टेंटिकल्स में प्रेजेंट हैं इन टेंटिकल्स में से क्या करेंगे वो टेंटिकल्स से वो पानी के अंदर क्या कर रहा है स्विम कर रहा है या अगर सपोज ये क्या है हाइड्रा है इसकी पॉलिप फॉर्म के ऊपर भी क्या इस तरीके के टेंटिकल्स प्रेजेंट है तो कोई भी प्रे इसके पास आया तो क्या किया इसने अपने यहां से इसका ये जो क्या है नाइडो ब्लास्ट है ये क्या हो गया ट्रिगर हो गया कि प्रे आ गया हमारे आसपास तो क्या करेगा ये ट्रिगर हो गया और ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर स्टिंगिंग सेल्स है इसमें के अंदर से क्या हो जाएगा ये थ्रेड डिस्चार्ज हो जाएगा निकल जाएगा ओके ये क्या था ठीक ठीक ये क्या था बार्ब है ना तो ये क्या करेगा शूट हो जाएगा और डिस्चार्ज करेगा इस थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर को और प्रे को क्या कर लेगा कैप्चर कर लेगा सो फूड और प्रे इज कैप्चर्ड हेल्प ऑफ नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स इज डायरेक्टेड टू द गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तो खाना प्रे जैसे ही ये खाता है इस पर्टिकुलर नाइडोब्लास्ट की हेल्प से स्टिंगिंग सेल्स की हेल्प से ये कहां जाता है ये सबसे पहले जाता है गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ऑल सो पहली चीज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होगा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर दूसरा द डाइजेस्टिव जूसेज आर रिलीज हेयर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस क्या होंगे रिलीज होंगे रिजल्टिंग इन ब्रेक डाउन और ये क्या है एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन है तो जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर हुआ दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन देन द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स अब थोड़ा बहुत डाइजेशन हो गया है बड़ा सा जो प्रे था उसके छोटे 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 टुकड़े हो गए हैं अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं द स्मॉलर फ्रेगमेंट दे आर एनगल्फ बाय द बॉडी सेल्स अब ये क्या करते हैं एनगल्फ कर लेते हैं खा लेते हैं कौन बॉडी सेल्स ओके तो सेल के अंदर चला गया ये एंड डाइजेस्टेड विद इन द फूड वैक्यूल और ये फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा डाइजेस्ट होगा

हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेट्रेट्स का इट इज द लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे रिप्रोडक्शन तो आ गए रिप्रोडक्शन के ऊपर पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं तो बच्चों ऑर्गेनिज्म दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअल और सेक्शुअल दोनों तरीके ऑपरेट होंगे सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं अलग अलग भी हो सकते हैं यूनाइटेड भी हो सकते हैं वेट अ मिनट सो यस सेक्सेस में भी सेपरेट और यूनाइटेड रिप्रोडक्शन देखी जाएगी मेड्यूसा फॉर्म के अंदर देखी जाएगी एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलिप फॉर्म और किस तरीके से हो रही है बडिंग के प्रोसेस से हो रही है ठीक है तो क्या बोल रहे हैं दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं मेड्यूसा और पॉलिप मेड्यूसा वाली जो फॉर्म है वो शो करेगी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और पॉलिप वाली जो फॉर्म है वो शो करेगी ए सेक्शुअल रिपोडक्शन देख सकते हो हाइड्रा का ये जो पॉलिप फॉर्म है इसके अंदर ए सेक्शुअल रिपोर्डक्शन यू कैन सी बडिंग होती है टेंथ क्लास में पढ़ के आए हो है ना तो बड फॉर्म होती है और उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है ठीक है अब क्या देखेंगे हम ओबेलिया की लाइफ साइकिल देखेंगे जिसके अंदर हमें Asexual और Sexual दोनों फॉर्म्स ही देखने को मिलेंगी रीजन क्योंकि ओबेलिया के अंदर क्या शो होता है ओबेलिया के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो होता है मेटाजेनेसिस शो होता है जिसके चलते हमारे पास पॉलिप स्टेज भी आती है और मेड्यूसा स्टेज भी आती है राइट स्टेज रिप्रोड्यूस करेगी ए मेड्यूसा स्टेज रिप्रोड्यूस करेगी sexually. So, ये है एक polyp stage. Polyp stage के अंदर as you can see, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें? और ये buds क्या करती हैं? लेटर ऑन मेड्यूसा फॉर्म बना लेती हैं. अब मेड्यूसा फॉर्म यहां पर क्या हो सकती हैं? मेड्यूसा फॉर्म यहां पर अलग अलग सेक्सेस में भी हो सकती हैं जैसे यहाँ पर ये यह क्या है फीमेल है क्योंकि कैसे पता चल रहा है प्रेजेंट प्रेजेंट सो दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल सो दिस दिस इज़ इज़ फीमेल एंड मेल देन मेड्यूसा फॉर्म के अंदर तुम्हारे पास जो फीमेल है वो क्या रिलीज करेगी एग रिलीज करेगी और मेल क्या रिलीज करेगा स्पर्म रिलीज करेगा तो दोनों गेमिट्स रिलीज होंगे पानी के अंदर क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा ऑलराइट right, तो यहां क्या लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल तो पानी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है तो इस केस में क्या होगा पानी के अंदर होगा जायगोट फॉर्मेशन होगी ओके okay, अब इस जायगोट से वापस तुम्हारी क्या बनेगी क्या बनेगी वापस पॉलिप फॉर्म बनेगी ये क्या है एक नया पॉलिप है जो कि धीरे धीरे क्या बना लेगा कॉलोनी बना लेगा अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब इस पर्टिकुलर जायगोट से एक नई पॉलिप फॉर्म बनी तो बीच में क्या आ रहा है बीच में आ रहा है फ्री स्विमिंग प्लेन्यूला लार्वा सो लार्वा फॉर्म इज कमिंग इन बिटवीन ठीक है तो जायगोट से नया इंडिविजुअल बनने से पहले तुम्हारे को लार्वल स्टेजेस जहां पर देखने को मिलेगी देर यू से डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट

देखो ग्रो होता चला जा रहा है और नई कॉलोनी बना लेगा और इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलेगा ऑल राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन सील यहीं तक थी फाइलम सिलेन रेटा की कहानी और यहां पर होता है फायलम रेटा खत्म आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय